सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ डिस्कवर न्यू वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लास 1 टू 12 किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रा सा स्किप मत करना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बुक डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सर्च करके जो पहली ही वेबसाइट की लिंक आएगी वो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक होगी। आपको इस पर चले जाना है। वैसे मैं इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी इस वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वेबसाइट है वो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप कोई भी स्टडी मटेरियल या फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ये एकदम लीगल वेबसाइट है। फिर आपको यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ टेक्स्ट बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पे ई बुक्स पे टैप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ 1 to 12 पे टैप कर देना है। तो दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए मेरे को अगर 10th की बुक चाहिए तो मैं 10th सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मान लीजिए मेरे को सब्जेक्ट मैथ्स चाहिए तो मैं यहाँ मैथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। और बुक का टाइटल, आप जिस मीडियम से पढ़ रहे हैं आपको उस मीडियम के टाइटल पर टैप कर देना है। उसके बाद आपको गो पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, गो पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी मैथ्स की बुक का कवर पेज आ गया है। और यहाँ पे साइड में सारे चैप्टर बाय चैप्टर की लिंक आ गई है। आप यहाँ से चैप्टर डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर डाउनलोड कम्प्लीट बुक का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी बुक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारी बुक यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गई है। मेरा नेट अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, जब तक ये बुक डाउनलोड हो रही है मैं तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी बुक यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं अपने फाइल में जाऊँगा, वहाँ पर से इस बुक को एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। आपको यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में जाना है। ये देखिए, यही वो फाइल है। आपको इस पर टैप कर देना है और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको आप तब तक वेट कर लीजिए थोड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ जाएगा। आपको एक फोल्डर ओपन कर लेना है और इसमें देखिए चैप्टर बाय चैप्टर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये हर एक चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल गई है। यहाँ पे आपको ये पीडीएफ ओपन करके देख सकते हैं। जैसे मैं ये 105 वाली पीडीएफ ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर 5 की पीडीएफ ओपन हो चुकी है। दोस्तों, इसी तरह से आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट की बुक डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी मीडियम में।